साडे कम माया वंडन दुखिया दे गम माया जगते सरदार आया ए जिंद कुल कैनात रे आया ए जगते सरदार आया ए जिंद कुल कैनात रे आया ए उम्मत दा बन हाकिम माया उम्मत दा बन हाकिम माया वंडन दुखिया दे गम माया हम अकसम भी हम दोसाना तारीफात तस्बीहात अल्लाह वहदहू ला शरीक अल्लाह दी ज़ात वास्ते खास है जड़ा कुल कायनात दा दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा दस्तगीर अला कुल शय कदीर सारियां बादशाहियां उस अकले बादशाह वास्ते अब तो अकले अजल तक रहेगा और कल क़यामत वाले दिन भी उस अकले हुक्मरान दी हुक्मरानी होनी है। उस तो बाद लखां ते करोड़ां दुरूद सलाम इमामुल हरामैन सैयद उस्तकालैन शीमा दे वीर बदरे मुनीर दुमे जगां दे वीर इमाम कुल फखरे रसूल दनाइस बुल मौले कुल थवाड़े और मेरे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम दी ज़ात वास्ते साहबो और साथियो अजकल दे दौर दे अंदर साढ़े इस इलाके के अंदर और दीगर जगह से थानू लोग नज़र आएंगे जिन्होंने कोल गन्ना रखिया होंदिया ने कलाशना रखिया होंदिया ने अगर उन्होंने को सवाल किया जाए ना पूछा जाए कि भाई तू हथियार क्यों चुकया क्यों ले फिरना है तो वह कुछ जवाब देता है कि मेरी दुश्मनी है मैनू खौफ है मैं अपनी सेफ्टी वास्ते रखिया और हथियार एक ऐसी मशीनरी है जिड़ी किसी जगह पर भी थानू धोखा दे सकती है दुश्मन थोड़ा सामने होए तुसी चलान लगो ये ना चले उहदी गोली चल जाए ये थानू धोखा दे सकदी है। आओ मैं थानू एक ऐसा हथियार दसा जिहड़ा हथियार हर दौर दे अंदर हर वक्त दे अंदर हर जगह ते तेरी हिफाजत करदा है और वो एक ऐसा हथियार है जिहड़ा धुप होए छां होए गर्मी होए सर्दी होए जेड़ा मर्दी मौसम होवे वो हथियार अगर कम आ जाए कम लाजमी आता है बंदा उस हथियार नू इस्तेमाल करके ते अपने रब को बड़ा कुछ ले सकता है। वो एक ऐसा हथियार है कि जंगे बदर के अंदर सहाबा को तलवारा कोई नहीं जंगे बदर के अंदर घोड़े कोई नहीं उठ कोई नहीं मुकाबले च 2000 का लश्कर है लेकिन उस हथियार की वजह तो अल्लाह ने 313 नू 1000 ते गालब कर दिया। वो केड़ा हथियार है वो हथियार है जिन्हों दुआ किया जाता है। दुआ एक ऐसा हथियार है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा दुनिया ते दुआ कर लैंदा है अपने रब नू राजी कर लैंदा है रब कदे भी इस बंदे दी दुआ नू रद्द नहीं करदा। कबूलियत दीयां तीन किस्मां होंदियां ने एक एक किस्म है कि तुहाडी दुआ फौरन कबूल होगी अल्लाह पाक दी हां जिहड़ी चीज़ मंगी सी अल्लाह ने थानू अता कर छड़ी। एक ये सूरत है कि तुसी अल्लाह को दुआ की जदों थानू उहदी जरूरत सी उस वक्त रब ने थानू अता की फौरी थानू अता नहीं की क्योंकि मेरा अल्लाह साडे मामलात साडे नालों बेहतर जानदा उहने सानू पैदा किया बनाया। तीसरी सूरत है रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह दे यहाँ बंदा आएगा इन्हें गुनाह ज़्यादा होंगे नेकियाँ थोड़ियाँ होंगी अल्लाह फरमान के दियाँ वो नेकियाँ लैके आओ नेकियाँ ले आदियाँ जान गया अल्लाह सुनिया मैं नहीं कीतियाँ ये कैड़ियाँ नेकियाँ ने अल्लाह फरमान के तू दुनिया से रह के दुआ करता रहा उस वक्त से कबूल ना हुई लेकिन तेरे रब ने स्टोर कर ली सी अज तेरी नेकियाँ बना के तेरे अगे पेश कर दी गई। मेरे मोहतरम भाइयों मैं दो चीज़ा इंशाल्लाह थोड़े सामने जिक्र करांगा एक दुआ
एक करनी किसी को मंगना किवें है। इंशाल्लाह मैं एक गल ते गुफ्तगु करके अपनी बात को खत्म करांगा। दुआ है अल्लाह मैं जिनी देर बयान करा अल्लाह पाक मैनू हक बात बयान करने की तौफीक अता फरमाए और सुन सुना के अल्लाह सब नालों पहले मैनू और उस तो बाद अल्लाह सानू सारयां नू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत जी वकार दरा गौर करो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा कलमा पढ़ने वालो मेरे नबी पाक नाल प्यार करने वालो मौला ए कायनात ने थोड़ा ते मेरा हीरो बनाया कमली वाले नू थोड़ा ते मेरा मुर्शद बनाया कमली वाले नू। अल्लाह पाक ने कुरान करीम दे अंदर एक जगह दे नहीं दो जगह दे नहीं पीसीओ मुकामात अल्लाह ने दुआ दा तज़करा कीता। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरमाया लोगो दुआ करनी जे ते सिर्फ और सिर्फ किदे कोलों अल्लाह कोलो अल्लाह कोलो। तुसी कहोगे अल्लाह ही कोलू क्यों करनी है किसे कोलू क्यों नहीं कर सकते। जिते कोलू दुआ कराई जाए ना उन्दी कुआन वास्ते तीन शर्तां जरूरी होंदियां ने। शर्तां की ने आओ थानू मैं दस दियां। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां पहले नंबर उते जेड़ा मुश्किल कुशा उन्हूं आंदे ने जेड़ा पूरी दुनिया दियां बोलियां जानदा होवे उन्हूं पता होवे कोई सरैकी दे अंदर मंग रिहा है कोई पश्तो दे अंदर मंग रिहा है कोई पंजाबी अंदर मंग रिहा है कोई इंग्लिश अंदर मंग रहा है कोई अजमी जुबान अंदर मंग रहा है कोई केड़ी जुबान च मंगे ये जेड़ा मुश्किल कुशा उन्हूं कहंदे ने जेड़ा हर बोली सुन के सानू अता करने वाला होवे बल्कि ओ बोली जेड़ी असी नहीं सुन सकते। कहते कीड़ी की आवाज़ सुनी जे कीड़ी की आवाज़ असी नहीं सुन सकते लेकिन मेरा रहमान उन्हूं भी सुनदा जे मेरा रब उंदियां बोलियां भी सुनदा जे उन्हूं मुश्किल कुशा कहा जांदा जे। पहले नंबर दी ओ मुश्किल कुशा जेड़ा सारे जहान दियां बोलियां जानदा गोवे सारे जहान नू जानदा गोवे। दूसरे नंबर दे जेड़ा हर बंदे नू उंदी ताकत दे मुताबक खाना दे सके ये जनाब इंसान आया है ये जनाब रोटी लेना चाहता है जानवर आया है ये चारा लेना चाहता है ऐसा बंदा होवे उंदे कोलों मंगण जाओ उन्नू मुश्किल कुशा किया जांदा है। जो उंदे कोलों लो लैण तों बाद उंदे खजाने दे अंदर एक जर्रे दी भी कमी ना आवे उन्हू मुश्किल कुशा किया जाता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। तीसरे नंबर दे एक मुश्किल कुशा उन्हू कहंदे ने जिंदे को लैन जाइए जे टाइम मर्दी मंगिए सर्दी होवे गर्मी होवे धुप होवे छां होवे जेड़ा मर्जी टाइम होवे जिले भी मंगिए वो थानू अता कर देवे वो गुस्सा ना करे। पाकिस्तानी अदालतां 8 घंटे खुलियां रहंदियां ने लेकिन जुर्म 24 घंटे होंदे ने। मुसलमानों एक रब दी अदालत ऐसी अदालत है जिहड़ी 24 घंटे खुली रहंदी है 24 घंटे ओपन रहंदी है। मेरा रब ऐलान कर करके कहंदा है अल्लाह दा कुरान है अल्लाह की फरमा रहे ने औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह फरमांदे ने वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरी। अल्लाह फरमांदे ने मुसलमानों थोड़ा रब बड़ा गरीब जे पुकारो ते सही ना मंगो ते सही ना तेनू मंगण दा वल ना आया तेनू मंगण दा वल ना आया। मेरा रब ते हर टाइम अता करन वास्ते हाज़र है। अज वेखो ना नौजवान आयो अज चेहरियां ते सुरखियां मौजूद ने अज अखां च लज़त मौजूद है अज डौलियां च जान मौजूद है अज लत्तां च जान मौजूद है अज हर काम दी ताकत दियो लेकिन लोगो ये ताकत हमेशा नहीं रहनियां ये चेहरे हमेशा नहीं रहने ये अखां दियां बनाइयां हमेशा नहीं रहनियां ये अकल हमेशा नहीं रहने। एक वक्त आएगा तू बुजुर्ग हो जाएगा बाबा हो जाएगा डौलियां दी ताकत खत्म हो जाएगी लत्तां दी हिम्मत खत्म हो जाएगी अखां दी बनाई चली जाएगी कमजोर हो जाएगा कमजोर हो जाएगा। ये बाबा जदों कमजोर हो जाएगा
जाता है। सारी जिंदगी गुनाह किए ने, हुण कमजोर हो गया, लत्तां तों भी चला गया, हत्थां तों भी चला गया, तुरंत भी रह गया। हुण बाबा बिस्तर दे उत्ते लेट आए, आसमान वाले मूंह कीता है, आसमान दे तारे पिया गिणदा है, आसमान दे तारे पे गिणदा है, ते बोल के कहंदा है, सोचदा भी अपने ज़हन दे अंदर, ते कहंदा है अल्लाह अज मां भी चढ़ गई है, बाप भी चढ़ गया है, मैं कमजोर हो गया मां, मैनू यार बेली भी चढ़ गए ने, सारे चढ़ गए ने, अल्लाह मैं कल्ला रह गया वा। आसमान तो आवाज आंदी ओए सोनिया, सारी जिंदगी जुर्म कीते नी, सारी जिंदगी गुनाह कीते नी, सारी जिंदगी खतावां कीतियां ने, हुण भी आ जा, हुण भी आ जा, हुण भी रब दा दरवाजा खुलाई, ओए आ ते सही ना, आ ते सही ना, मेरा रब आवाजा ला ला के कहंदा है, ए बाबा जल्दी दे नाल बिस्तर तो बेदार हुंदा है, सारी जिंदगी गुनाह कीते ने, जेहन दे अंदर ख्याल आया मैनू हाथ देण वाला कौन है, मैनू लत्तां देण वाला कौन है, जल्दी ना बिस्तर तो बेदार होया, पापे ने वजू कीता, मस्जिद के अंदर चला गया, जो तो मस्जिद के अंदर गया दो रकतां बड़िया ने, बाबा रब दे सामने हाथ झुक लैंदा है, कहंदा मालिका लेट हो गया वा, लेट हो गया वा, लेकिन तेरे दर ते आ गया वा, अल्लाह मैनू माफ कर दे। अल्लाह फरमांदे ने सारी जिंदगी दे गुनाह एक जहर दे ने, इन्ने सच्चे दिल नाल तौबा कर लईए, मैं अल्लाह दे गुनाहां नू माफ कर देवांगा, मैं अल्लाह दे गुनाहां नू माफ कर दिया। ओए आओ ते सही अल्लाह दे दरवाजे ते, अल्लाह कोलो मंगो दे सही ना। हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम साडे बाप ने, नबियां सब नालों पहले नबी ने, हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम, छोटी जी गलती हो गई, अल्लाह ने जन्नत चो बाहर कर दिता, सब नाल पहले जमीन ते आन वाले, जमीन ते आन वाले हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम, सब नाल पहली चीज जड़ी रब ने बाबे आदम नू अता कीती है ना, वो चीज दुआ है, उची बोलो केड़ी चीज है, रब ने दुआ अता कीती है, हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम अपने रब को दुआ करते ने, रब्बाना ज़लमना अन्फुसना इल्लम तक फिर लाना तर हम ना कून ना मिनल काजिरी, अल्लाह फरमांदे ने ओए सोनिया रब नू तेरी तौबा एडी पसंद आई है, रब नू तेरी तौबा एडी बस, दुआ कीती ना रब दे सामने सच्चे दिल दे नाल, अल्लाह फरमांदे ने इन्नी पसंद आई है, जा रब ने तेनू माफ कर दिता ई। हजरत ए ते ओ नबी ने जे जमीन दे उत्ते, आ थानू एक नबी विखावा जिन्ने जमीन दे अंदर रह के अपने रब कोल दुआ कीती, रब ने ओंदी दुआ नू भी कबूल कीता। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, हजरत यूनुस अलैहि सलातो सलाम अल्लाह दे अजाब तू कौम नू डरा रहे ने, कौम आखे नहीं लगी, अजे रब दा आर्डर नहीं आया, रब दा हुक्म नहीं आया, अपना कबीला छड़ के अपनी कौम नू छड़ के चले जांदे ने, ए जनाब दरिया ते चले जांदे ने, जदों दरिया ते गए ने ना एक कश्ती च सवार हो जांदे ने, कश्ती डुबना शुरू हो गई है, ए लोगों ने कहना शुरू कर दिता एक बंदा दरिया च छलांग ला देवे ताकि कश्ती दा बैलेंस बराबर हो जावे, कश्ती अगे वध सके, कश्ती अगे चल सके। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, मुसलमानों अल्लाह दा नबी है, छोटी जी गलती हुई है, रब केड़ियां वड्डियां सजावां दे चढ़दा जे, इन्हां ने कुरान दाजी पाई है, कुरान दाजी दे अंदर हजरत यूनुस दा नाम निकलिया, इन्हें पानी दे अंदर छलांग ला दित्ती है, समंदर दे अंदर छलांग ला दीती है, समंदर दे अंदर छाल मार दीती है, अगर रब दे हुक्म दे नाल एक मछली इंतजार बिगड़दी है, छोटी जी ना परमानी होई है, इस मछली ने अपने अंदर ले लिया, अपने पेट दे अंदर बंद कर लिया है, लेकिन यूनुस ने उत्थे जाके भी अपने रब कोलों मंगी है ते दुआ मंगी है, अपने रब कोलों दुआ मंगी है, रब पानी दे विच भी सुनदा जे, रब जमीन दे थले भी सुनदा जे, ते पानी है फिर मच्छी का पेट है, उनके अंदर रह के दुआ करते ने, कहते ने लाग लाग इला सुबहान का इन्नी गुंदुम मिन ज़ालिमी, कहते ने मालिका
मैनू माफ कर दे, माफ कर दे अल्लाह, अपनी जान ते जुलम कर बैठा वा। रब को दुआ की, रब ने माफ कर दिता है, अल्लाह ने माफ कर दिता है। आओ थानू एक होर गल सुनावा, सैयद बुखारी की हदीस है, बल्कि अल्लाह के कुरान की एक आयात की जनाब मैं तफसीर कर रहा वा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सहाबिया सैयदना खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोल आईया, तो आके कहन लगियां, अल्लाह के रसूल जी मेरे खामद ने मैनू माँ कह दिता है, मेरे खामद ने मैनू माँ कह दिता है। जमाने जहलीयत के अंदर जो इस तरह हो जाता तो इस्लाम ये चीज़ लागू हो जाती, इन्हों का निकाह खत्म हो गया है, ये जनाब टुट गया है। अल्लाह अकबर, कहती अल्लाह के रसूल जी उन्हें मैनू माँ कह दिता है, साड़ा निकाह खत्म हो गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल जी कोई ऐसा तरीका दस छो, मैं भी बीमार हाँ, मैं भी बुजुर्ग हाँ, वह भी बुजुर्ग है, उन्होंने मेरी जरूरत है, मैनू वो जरूरत है, एक दूसरे के सहारे तो जीनी हाँ। अल्लाह के रसूल जी कोई ऐसी सूरत दस दौ कि अल्लाह पाक साढ़े अंदर आसानियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, मेरा इख्तियार नहीं है, कि इख्तियार है, अल्लाह का इख्तियार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, हजरत खौला वापस गई ने, इन्होंने जाके सोचा जो सारे दर बंद हो जाव फिर एक दर खुला रहा जे, वो दर कदे बंद नहीं होया, उन्हों कदे ताला नहीं हो लगा, वो कदे बंद नहीं होया। हजरत खौला ने अपने रब के सामने हाथ चुक लैने, अपने खालक के सामने हाथ चुक लैने, अपने मालक के सामने हाथ चुक लैने, ते चुक के कहंदी ओए मालिका ओए राजिका ओए दाता, अल्लाह सोनिया मैं जुदा नहीं हो सकती, सारे दर बंद हो गए ने, तू ते जान नवे ना, मैं भी बीमार हाँ, वह भी बीमार है, असी रुल जावांगे, असी जनाब पुट जावांगे। अल्लाह जी उन्हू भी माफ कर दे, मैनू भी माफ कर दे। अल्लाह मैं तेरे को जरूर गल पूरी करवानी है, कि जो बंदा रब दा होवे ना, अल्लाह कानून भी बदल दिया करता है। हुण कानून की सी, मां सदिया ते जनाब निकाह टुट गया। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, इधर अम्मा रोई जांदी है, रोई जांदी है, अपने रब नूं तरले पाई आंदी है, दुआवां कीती आंदी है। इधर जबरील कुरान लैके आ गया, जबरील कुरान लैके आ गया, मेरे नबी दे कोल आ गया, कद समी अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिया। हजरत जबरील कहंदे जेड़ी बीबी कर रोंदी रही है, उंदियां रोण दियां आवाज़ां मेरे रब दी अरश नूं गला दिता है। अल्लाह ने कानून ही चेंज कर दिते ने, अल्लाह ने कानून ही चेंज कर दिते ने। की कीता है? अपने रब को दुआ की दी, दुआ की दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाके रोना शुरू कर दिता, अल्लाह मैं नहीं जुदाइयां पाना चाहती, दुआ करो तो सही ना। रब्बे कायनात की कसम है, डॉक्टर को जान की जरूरत नहीं, अगर रब दे अगे सजदे च सिर रख के तू कहे अल्लाह यह चीज़ मैं चाहिए, अल्लाह मैं उन्नी देर तक सिर नहीं चुकागा जिनी देर तू मैं अता नहीं कर देंगा। देखो जमाने जहलीयत वाला रवाज मुल्के पाकिस्तान के अंदर राज कर रहा है। अज मुल्के पाकिस्तान के अंदर कि ऐसी औरतें और बीबिया ने जी बच्चे लैन वास्ते पीर फकीर के दरबारा से जाने, और मेरी भैने औलाद देने वाली सिर्फ और सिर्फ जात है, तो कि जात है? अल्लाह की जात है, अल्लाह तो अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता, सिर्फ मेरा रब दे सकता है। और बहुते तरले पाण की भी लोड़ कोई नहीं, मिन्ता करन की भी लोड़ कोई नहीं, इज्जत लिलाम करन की भी लोड़ कोई नहीं, तवीज पाण की भी लोड़ कोई नहीं, ना अब सिर से कटरा बन के पैरों जुत्ती ला के अपने गोडिया के बल चलन की भी लोड़ कोई नहीं, टाके बन के रस्से बन के झंडे चढ़ा के ए भी लोड़ कोई नहीं, सिर्फ लोड़ ही नहीं कोई वजू करके, वजू करके घर के पानी तू जम जम का पानी नहीं, घर वाला पानी उन्दे नाल वजू कर लै, वजू करके मुसल्ले दे आ जा, दो रकता पढ़, अल्लाह उन्नी देर सजदे जो सिर नहीं चकांगा जिन्नी देर अल्लाह तू मैनू औलाद जैसी नेमत तू नवाज नहीं देगा। ओए मंगो तो सही, सानू मंगन दा वाले नहीं आ रहा, अल्लाह दे देने वास्ते हर टाइम तैयार है।
अपने रब को माफी मांग लो, अपने गुनामा दी माफी मांग लो। और सुनना एक बीबी सी ना नबी पाक दी सहाबिया, अल्लाह को दुआ की दी, अल्लाह ने दुआ नू कबूल कर लिया। इमामे कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसर दा वाकया नकल कीता है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां, कहंदे ने मिसर दे अंदर नौ तालब इलम किसे दूर वाले देश तो किसे दूर वाली कंट्री तो इलम हासिल करने वास्ते मिसर आए ने, मिसर दी यूनिवर्सिटी दे अंदर आए ने। कुछ दिन गुजरे ने, इन्हां कोल खर्चा खत्म हो गया, इन्हां कोल पैसे खत्म हो गए ने, इन्हां कोल आमदन खत्म हो गई है। ये परेशान हो जाते ने, हुण किधर जावांगे, किते कोलों मंगांगे, किन्नू जाके कहांगे कि जनाब साड़ियां जरूरतां पूरियां हो जावण। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। ये परेशान हो जाते ने, मीटिंग की थी, ये मीटिंग करके कहते ने ओए बेलियो साढ़े चो हर रोज एक बंदा जाएगा, एक बंदा जाएगा बाजार के अंदर जाएगा, वो मंग भिन के लै आएगा, जिन्हें को लै आएगा गुजारा चल जाया करेगा। अठ मुंडे पढ़न गए, एक जना बाजार के अंदर चला जाएगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हुण जिल्ले कलण की वारी आई ना, वो कवे तू जा, वो कवे तू जा, सारे जनाब तू जा तू जा। इन्होंने किया कुरानदाजी कर लें, जिदा नाम निकलेगा असी उन्हों भेज देवांगे। कुरानदाजी पाई गई है, कुरानदाजी के अंदर इमामे हसन का नाम निकलिया, इमामे हसन बिन सुफियान रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा नाम निकल आया कि अज तू जनाब बाजार के अंदर जाके मंगता बन के फकीर बन के मंग के ले आवेगा, अज तू मंग के ले आवेगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुरबान जावा। जदों उन्हों इस गल का पता लग्या ना, अज बाजार च मैं मंगण जाना है, अज बाजार च मैं सदावा लान जाना है, वह कहता बेलियो असी क्यों ना ओदे कोलो मंगिए जिन्हें सानू बनाया है, हत्थां नू बनाया है, पैरां नू बनाया है। वह कहता जेड़ा एडिया वड़िया नेमतां दे सकता है, वह साढ़े खर्चे क्यों नहीं चुक सकता, वह सानू क्यों नहीं साम सकता। कहता मैं ते रब कोलो दुआ करांगा। इन्हें मुसला डालिया, मुसला डा के उत्ते बह गया, दुआवां शुरू कर दित्तियां। ओए मालिका तेरा दीन पढ़ने, तेरा दीन सीखने, अल्लाह देना ही ते तू देना ही, अल्लाह ते यकीन कामल होना चाहिए, अल्लाह देना ही ते तू देना ही, अल्लाह मैं तेरे को लेना ही लेना है, अल्लाह मैनू अता कर दे। अल्लाह नू तरले पाई जाता है, अल्लाह नू मिन्ता करी जाता है। इधरू जिहड़ा मिस्र दा बादशाह है उन्हू ख्वाब आया है, रात नू ख्वाब आया, उन्हें एक अपना करिंदा भेजिया, एक वजीर भेजिया, वह मदरसे के अंदर दाखिल हो आया ना, आके पुछता फिर इमामे हसन कौन है, ये हसन किनू कहते हैं। लोगों ने इशारा किया कि जिहड़ा ओ मुसला डा के अपने रब के तरले पे पाँदा ना, इनू इमामे हसन कहते हैं। ये जल्दी ना गया, इमामे हसन को बुलाया, जी इमामे हसन तुसी हो? कहते जी मैं हाँ। कह लगा ऐ थोड़े वास्ते कुछ पैसे लैके आया वा, ये रख लो। और बादशाह सलामत कह रहा है जिनी देर तुम इतने रहना है ना, उन्नी देर थोड़ा खर्चा साढ़े दिन। रब को दुआ की दी है, तवक्कल रख के भरोसा रख के। कहन लगे खैर है, बादशाह नु ख्वाब आ गया, असी भुखे सी। कहंदे हाँ बादशाह रात सुता सी, नु ख्वाब आया, एक बंदे ने उंदी जनाब नोक दे उत्ते खंजर रखिया, ते खंजर रख के कह रहा बादशाह तेरी बादशाह दा की फायदा, तेरी हुकूमत दे अंदर नौजवान तलीम हासिल करने आए ने, ते उन्हां दे ज़ेहन च फकीरी पच चुकी है, वह मंगण दी सोच रहे ने, तेरी बादशाह दा की फायदा। ओ सोणिया जा उन्हां दी जाके मदद कर, अल्लाह पाक तेरे गुनाहां नु माफ कर देवे। अपने रब को दुआ की दिए, अपने रब को दुआ की दिए। और जनाब जिहड़ा दुआ नहीं ना करता, अल्लाह पाक ऐसे बंदे नू माफ नहीं करना। अज दुआ तू शर्म आदियां ने, दुआ कर लगिया शर्म आदी है, लोगों के हाथ पिलान लगे शर्म नहीं आती, मंगता फिर कोई शर्म नहीं आती, फिर रब को मंगन लग्या शर्म आ जाती है। अपने रब के सामने रोया कर, तसली दे नाल बह के जनाब रोया कर, अपने रब के सामने मुसला डाल है, रो अल्लाह फलां मुश्किल ही फलां परेशानी है, अल्लाह सोनिया मैनू हल कर दे, तेरा बंदा वा। जदों आजजी रखोगे रब के सामने, अपनी फकीरी ते बेबसी रखोगे रब सामने, अल्लाह इंशाल्लाह तुहाडे गुनाहां नू माफ कर देवेगा।
मापिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया मापिया दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया गल पसंद तैनू देर अल्लाह सोनिया गल पसंद तैनू देर अल्लाह सोनिया चंगा या मंदा आखर तेरा बंदा चंगा या मंदा आखर तेरा बंदा आन लगियां हो गई देर अल्लाह सोनिया आन लगियां हो गई देर अल्लाह सोनिया मापियां दे कलम अज फेर अल्लाह सोनिया हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किस तरह करनी है साडा की अलमिया है एक मिनट वास हाथ चुके ने फौरन थले आ गए ने कर दुआ रहा साडा ध्यान साढ़े घरे चला गया है कर दुआ रहा साडा जीन साड़ी दुकान दे लग गया है दुआ इस तरह करनी है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कौन अली है मन कुंतु मौला वाली मौला हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआ पे करते ने दुआ पे करते नहीं इधरू बाजार के अंदर एक शोर पै गया एक रोला पै गया लोग कहते ने अग लग गई है अग लग गई है फलां दे घर नूं अग लग गई है हजरत अली दुआ की जाते ने अपने रब के सामने रोई जाते ने अपने रब नूं आवाजा मारी जाते ने अपने मालक नूं आवाजा मारी जाते ने इन्होंने जरी भी जनाब ध्यान इधर उधर नहीं किया जदों दुआ खत्म की ना सहाबी दौड़ के आते ने आके कहते ने अली प्यारिया अग लग गई सी तैनू पता नहीं हो चलिया अग एडी जनाब उची हो गई सी अग बड़ी जोर ना लग गई सी तैनू क्यों पता नहीं चलिया हजरत अली फरमांदे ने तुसी दुनिया की अग बुझा रहे सो मैं जहन्नम की अग बुझा रहा सी करो इस नीयत नाल करया करो अल्लाह मैं दुआ कर रहा वहां अल्लाह मैनू जहन्नम की अग तू महफूज फरमा दे मेरे मोहतरम भाईओ साडे जिस्मां अंदर इन्नी ताकत नहीं है कि असीं अल्लाह दे अज़ाबां दा मुकाबला कर ला अज ते कहंदे हो ना क्या जावे भाई नमाज पढ़ लै और चौधरी नमाज पढ़ लै ओए आया कर मसीते मौलवी साहब बड़ी जिंदगी पई है पढ़ लांगे नमाजा की हो जाएगा बड़ा टाइम है सुनिया मुल तो नहीं हो मिलनिया टाइम नहीं मिलना वो आन वाला कदे कदे एडा अचानक आ जाता है कि तेरे मोबाइल च नंबर लभना पैंदा है इंदा पता करो ये पुत्र किदा है इंदा पता करो ये कित्थों आया है आन वाला कदे कदे एडा अचानक भी आ जाता है इन्ना टाइम भी नहीं देंदा तो अपने घर के अंदर चला जाए अपने जिया नूं बुला लें अपने बाप नूं बुला लें अपनी अम्मा को माफी मांग लें जिले आने वाले ने आ जाना ना मेरे मोहतरम भाईओ एक मिनट भी अगे पीछे नहीं हो अज वक्त जे अपने रब नूं मना लो अज रो लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा लोगो दुआ एक इबादत जे और एक और हदीस है अद्दुआ फी रूहुल इबादा अल्लाह फरमांदे ने दुआ रूह दी गजा है दुआ इंसानी जिस्म नूं सुकून अदा करदी है मेरे मोहतरम भाइयो दुआ नहीं करोगे अता नहीं मिलेगी दुआ करोगे यार बंदा किसी चौधरी के डेरे जाके बह जाए ना दस मिनट पंद्रह मिनट चौधरी भी पूछ लेता ओ खैर है किवें आया है खैर है की लैना है वह भी चाह का कप तेन पवा देता है वह सुनया रब का दरवाजा है ये रब का डेरा है तुम की समझते हो ये आके बहोगे रब को मंगोगे रब तुम खाली मोड़ दे दरवाजा जिन्हें चौधरी दिता तेन क्यों नहीं रब दे सकता अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा एक बंदा है मिस्र दे अंदर एक बंदा है इन्हें जनाब इन्हें दिल दे अंदर जौक आया इन्हू पता चलिया फलां जगह एक बादशाह है वह बड़ी सखावत करता है बड़ा माल बनता है बड़िया दौलत खर्च करता है इन्हें क्या मैं भी जाना वा मैं भी उतू लैके आ जाना वा मैं भी उन्हें कुछ दौलत लै लैंना वा अल्लाह अल्लाह मैं
कुर्बान जावा। इन्हें अपना माइंड बनाया, उस बादशाह के दरवाजे से चला गया, उस बादशाह के कोल चला गया, उस बादशाह को मंगन वास्ते चला गया। बड़ी लंबी कतार लगी है, बड़े लोगों का रश पिया है, ये भी कतार के अंदर खड़ा हो गया। जो शाम हुई ना, जो मिले अपने घर के अंदर लैके आया। इनकी बेगम ने पूछा बादशाह नूं किंज दा पाया, कहन लगा बड़ा सखी आदमी है, बड़ा अल्लाह के रस्ते अंदर खर्च करने वाला, बड़ा अल्लाह के रस्ते अंदर देने वाला, बड़ा नेक बंदा है। लेकिन एक बाल का ध्यान रखी, जदों अगला जनाब इतवार आएगा या जुमेरात आएगी, जिस दिन दरबार लगता है ना, मैनू तू टाइम नाल भेज देना है। उत्थे रश बड़ा होंदा है, उत्थे लाइन बड़ी लंबी होंदी है, मैं टाइम नाल चले जावांगा, मैं पहले बंदियां दे विच जाके खड़ा हो जावांगा, मैं जनाब पहले खरैद लै लवांगा, मैं पहले बादशाह कोल सखावत लै लवांगा। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां। जदों अगला दिन आया ना, दरबार लग गया है, इहदी बेगम ने इहनूं जल्दी जल्दी उठाया है, ये सब नालों पहले दरबार के अंदर पहुँच गया। इन्हें वेख्या तो कोई बंदा कोई नहीं, खाली लैन लगी है। इन्हें कहा मैं वेखा तो सही, बादशाह किधे कोलों मंगता है, बादशाह किधे कोलों लैंदा है। ये कहिंदा मैं कमरे के अंदर जाती मारी, बादशाह मुसल्ला डा के अपने रब कोलों पिया मंगता है, मुसल्ला डा के अपने रब कोलों पे मंगता है। इन्हें उत्थे छुट्टी की थी, मैं नहीं लैंदा, अपने घर वापस आ गया। ते बेगम कहन लगी ओ चौधरिया खैर, अज खाली मुड़ आया वे, अज कुछ लैके नहीं आया, अज बादशाह ने तेनू कुछ नहीं दिता। कहन लगी बीवी अज तो बाद असी बादशाह कोल नहीं लैना, असी ओदे कोलों लैना है जिहड़ा बादशाह नूं भी देण वाला है। कहिंदा जिन्हें बादशाह नूं बादशाह बनाया है, आप उस बादशाह दे बादशाह कोलों मंगना है। अज मैं वल के आ गया वा, इन्हें मुसल्ला डालिया, अपने रब को मंगना शुरू कर दिता। नौजवानों गलतियां हो जांदियां ने, खतावां हो जांदियां ने, अल्लाह ने इंसान नूं गलतियां दा पुतला बनाया है। ये गुनाह हो जाना, गलतियां हो जाना, इंसान दे अंदर शामिल है। लेकिन गुनाह करके गुनाहों से डट जाना, गुनाह करके इन्नी अपनी सिहत पकड़ लेना, नहीं छड्डांगा नहीं छड्डांगा, ये रट्टा छड़ देवो। जदों दीन दी समझ आ जावे, दीन दियां बल कर लो, अल्लाह थोड़े वास्ते जनता दे रस्ते आसान कर देवेगा, अल्लाह जनता दे रस्ते आसान कर देवेगा। अपने मालक कोल दुआ करिया करो, अपने खालक कोल दुआ करिया। दुआ दा तरीका की है? दुआ जदों करनी है ना, अपने रब दे पहले नंबर दे यकीन रखना है, ते कहना है मालिका मैं दुआ कर रहा वा, अल्लाह तू मेरी दुआ नूं जरूर कबूल करेगा। अल्लाह फरमांदा है जिस बंदे दे दिल दे अंदर शक होंदा है, अल्लाह पता नहीं मेरी दुआ कबूल करेगा या नहीं करेगा, अल्लाह फरमांदे ने ऐसे बंदे दी रब दुआ कबूल। दूसरा वो बंदा रब दे शर्तां लाई जांदा है, कहिंदा अल्लाह मैनूं फलां गड्डी चाहिए, मैनूं फलां गड्डी चाहिए। अल्लाह कोलों इंज नहीं मंगना चाहिए, अल्लाह कोलों इंज मंगना चाहिए अल्लाह अगर वो चीज़ मेरे वास्ते बेहतर है तो अल्लाह मैनूं अता कर दे। हजरत जी बाबा जी साडा रब एक माँ जिन्ना प्यार करती है साडा बुरा नहीं सोचती, और रब नड़िनवे मावां नालों ज़्यादा प्यार करता है, वो तुहाडा बुरा किवें सोच सकता है। मेरा रब कहंदा है, रब दी शर्त नहीं लानी है, अल्लाह नूं इह कहना मालिका मैं तेरा बंदा वा, अल्लाह अगर ये चीज़ मेरे वास्ते बेहतर है तो मैनू अता कर दे, अल्लाह अगर मेरे वास्ते बेहतर नहीं तो अल्लाह मेरे तो दूर लै जा। तीसरे नंबर से जदों भी रब कोलों मंगना है तो दिल के अंदर इत्मीनान होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, ये ज़ीन होना चाहिए कि अल्लाह मैं दिल मेरा सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए लग्या है। मेरे मोहतरम भाईओ किसी दफ्तर के अंदर चले जाइए, चौधरी को चले जाइए ना मंगने वास्ते, उनके अगे टेबल पिया हो, टेबल दीज़ों छेड़ी रखिए, इधर कर दिता उधर कर दिता इधर कर दिता, वो थानू पैसे देने भी हो तो थानू नहीं देगा, कहेगा दिल तो करदा इहदा मूँह मस्कीना वाला दे दियां, लेकिन इहनू मंगण दा वल नहीं आता। मेरे मोहतरम भाईओ रब देण वास्ते तैयार है, सानू मंगण दा वल नहीं आता। पहले नंबर ते अपने रब कोलों तौबा कर ला,
कुल्लू बनी आदम खताउन व खैरुल खताइना तवाब। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आदम का हर बेटा खताकार है, गुनाहगार है, लेकिन इन्होंने गुनाहगारों के बीचों खताकारों के बीचों बेहतर वह बंदा है इस बंदे ने अपने रब कोलों तौबा कर लीए, अपने रब कोलों माफ़ी मांग लीए। गुनाह हो जाना वड्डी गल नहीं है हजरत, गुनाह करके गुनाहों से डट जाना और उन्होंने करदियाँ रहना यह वड्डी गल है। गुनाह हो जाए अपने रब के दरबार से आ जाओ, अल्लाह हाथ चुक लो, अल्लाह तेरा बंदा वा, अल्लाह गलती हो गई, अल्लाह खता हो गई, अल्लाह सोनिया मंगता बन के तेरे सामने हाथ चुके नहीं, अल्लाह मेरे गुनाहों माफ फरमा। सोनिया तेरी अख के बिचू आंसू निकल आंदा है, बाबे की अख चू आंसू निकल आंदा है, बंदा रमाल पकड़ता है अपने आंसू नू साफ करने की कोशिश करता है, अल्लाह फरमाता है तेनू साफ करदियां देर लगनी है, तेरे साफ करन तो पहले पहले अल्लाह तेरी जिंदगी के गुनाहों माफ कर देगा। मेरे मोहतरम भाइयो, एक शायर ने बड़ी प्यारी तर्जमानी की है, कहंदा जो लिखिया है जो लिखिया विच नसीब साढ़े, ओई तू लैना ओई मैं लैना, तेरिया मेरिया आकड़ा किस कारे, तुम्हें डह पैना मम्मी डह पैना, सदा आया ते बुक्कल मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना, जो कुछ गुजरेगी सो जिंदगी अपनी, ओई तू सहना ओई मैं सहना, तेरा मेरा मुसाफरा तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, तेरा मेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना इत्थे तू रहना ना मैं रहना। अल्लाह को दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह इससे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जिंदा इस्लाम दे रखे, अल्लाह मौत ईमान वाली नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम।